तो देखिए अभी आपको ये बता रहा था कि जो विधायी कार्य क्या क्या है, तो देखिए पहले विधायी कार्य देख लेते हैं, उसको लेजिस्लेटिव कहते हैं। पहला है अध्यादेश जारी करना, संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करना, नए लोकसभा गठन पर संबोधित करना, लोकसभा को संसद भंग करना। ये सभी कार्य क्या है, इनके विधायी कार्य है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, राष्ट्रपति करते हैं। और दूसरी बात है कि राष्ट्रपति क्या होता है कि बिना उनके सिग्नेचर पर कोई भी कानून नहीं बन सकता, उनका वो कार्यकारी अधिकारी है। तो इसमें एक चीज और लिख दीजिएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर कानून बनता है। ठीक है, राष्ट्रपति जब तक किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर एंड साइन नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, नया कानून नहीं बनेगा। ठीक है, बनेगा। उसके बाद है कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव कार्य लिखेगा। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को शपथ दिलाते हैं। कौन कौन सा है, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री होगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद न्यायाधीश हो गया, जितने भी सुप्रीम नहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जो न्यायाधीश होता है, उन सभी को क्या था, शपथ दिलाते हैं। इसके साथ साथ क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष, यानी जितने भी बड़े बड़े आयोग होते हैं उनके, उसके बाद चुनाव आयोग के अध्यक्ष, जो हमारा चुनाव आयोग होते हैं उनके जो अध्यक्ष, जिसको आप क्या कहते हैं, चुनाव आयुक्त कहते हैं, उसके अध्यक्ष, उसके बाद लोकसभा जो जिसे कहते हैं आप पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कहते हैं, लोकसभा जिसे कहते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, इन सभी को क्या है, ये अध्यक्ष क्या शपथ दिलाते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है, ये नियुक्ति करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से हैं, जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष और चुनाव, उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्री, मेनली प्रधानमंत्री को करते हैं, मंत्री को तो बाद में करते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे पद होते हैं, उनको क्या आता है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। ध्यान तो ये सब कार्य क्या आते हैं, उनके कार्यपालिका कार्य होते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनका देखिए जो न्यायिक कार्य क्या होते हैं, पहली बात है जो मृत्यु दंड होती है, मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। केवल भारत के राष्ट्रपति ही जो सेंटेंस होता है उसी को माफ कर सकते हैं, मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। दूसरा जो सैन्य न्यायालय होते हैं,
कोर्ट मार्शल कहते हैं, उसको भी क्या होता है माफ कर सकते हैं, जो भी होता है, जो आर्मी वाले होते हैं उनको माफ कर सकते हैं। तीसरी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकते हैं। कानूनी सलाह ले सकते हैं, अगर मान लेते कोई कानूनी सलाह लेना है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी कानूनी सलाह इसमें ले सकते हैं। तीसरी होता है सैन्य शक्ति, क्या होता है, देखिए जो हमारे राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति। इसलिए देखिए 26 जनवरी को क्या होता है, तीनों सेना क्या होता है, राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। आप लोग देखे होंगे इंडिया गेट के वहां पे देते हैं, तो राष्ट्रपति को सलामी कौन देता है, तीनों सेना को देते हैं, क्योंकि इनके पास सैन्य शक्ति होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आप ध्यान रखिए। उसके बाद स्वाविवेक, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई पार्टी बहुमत में नहीं है तो अपने मनपसंद पार्टी को क्या होता है, शपथ दिला सकते हैं, यानी उसको सत्ता में ला सकते हैं। तो क्या होता है, मनपसंद पार्टी को क्या शपथ दिला सकते हैं। आप लोगों को ये स्क्रीन दिखाई दे रहा यस सर, है? ओके हाँ हाँ यस सर, ओके तो स्वाविवेक में क्या होता है, जैसे आपको अभी पता है कि जैसे रात को 5 बजे शपथ दिलाना, या किस पार्टी को शपथ दिलाएगा, या किस बहुमत वाले गठबंधन को शपथ दिलाएगा। ठीक है, ये सारे अधिकार क्या होता है, इनका स्वाविवेक होता है, समझ लीजिएगा। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही नॉर्मल केस में आता है स्वाविवेक वाला, यानी क्या होता है ये बहुत ही तो नॉर्मल। सर ये अगर अपने मनपसंद मतलब दल को जब ये शपथ दिलाते तो वो मतलब पूरा कार्यकाल कर सकता है या फिर स्पेशल नहीं, टाइम पीरियड के लिए कर सकता है? केवल शपथ दिलाते हैं, और उनका जो बहुमत होगा ना लोकसभा में सिद्ध करना पड़ता है, समझ लीजिए। के बाद जैसे क्या होता है, शपथ दिलाने के बाद एक टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है, क्योंकि उसमें जो स्पीकर होते हैं ना, स्पीकर टाइम पीरियड डिसाइड करता है कि उस पार्टी का या जो व्यक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं उनका कोई पार्टी होगा तो वो कब तक क्या होता है, टाइम जैसे जैसे 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, जो भी होता है। देखिए क्या होता है कि जब किसी को शपथ दिलाते हैं ना तो उनके पास भाई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उनको दूसरे पार्टी को अपने पक्ष में करना आसान हो जाता है, क्योंकि पावर उनके पास आ जाता है ना, पावर उनके पास आ जाएगा तो शक्ति उनके पास हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो अभी भगत सिंह कोश्यारी के बारे में बताया, कि उसमें जो एनसीपी थी उनके जो अजीत पवार जी को क्या था, रात को 5 बजे और देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दिया था। देखिए इससे क्या होता कि जो एनसीपी के जो अधिक अन्य जो विधायक थे वो भी चाहेगा कि इस सरकार में मंत्री बन जाए, बहुत से लोग मंत्री बनने के लालच में होते हैं ना, तो इसलिए क्या होता, शक्ति का क्या होता है, केंद्र होता है, तो इसलिए क्या होता है। या देखिए बहुत से लोग क्या होता है, खरीद बिक्री भी होता है एमएलए और एमपी का, उससे खरीद बिक्री भी हो जाता है, पावर का इस्तेमाल हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है ये सारे चीज होते हैं। तो इसके ये स्वविवेक होता है, इसमें जो सत्ता पक्ष होते हैं उनका ही फायदा होता है, जिस व्यक्ति का राष्ट्रपति होता है, जिस पार्टी का या जिस राज्यपाल होता है उसी का होता है। ठीक है, तो ये स्वाभाविक होता है, ये कभी कभी इस्तेमाल होता है, ये हमेशा इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे शपथ दिलाना, किस पार्टी को शपथ दिलाएगा, किसको मुख्यमंत्री बनाएगा, और देखिए ऐसे व्यक्ति भी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं जो किसी भी पार्टी का भी ना हो, कोई भी संसद सदस्य ना भी हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति 6 महीने तक कम से कम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन के सदस्य ना भी हो तब भी 6 महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे भी कंडीशन आ सकता है, मतलब अभी तक इंडिया में तो नहीं आया है, लेकिन ऐसे कंडीशन भी आ सकता है, सोचिए तब क्या होगा। इसलिए क्या था, इसको स्वाविवेक अधिकार कहते हैं। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल ये दो व्यक्ति के पास होता है, एक राष्ट्रपति के पास होता है और सर एक जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास भी है ना कि वो स्वविवेक से किसी भी मामले को जो है अपने वहां पे ला सकते, तो ऐसे राष्ट्रपति भी करते हैं क्या, कोई जैसे जनहित में कोई ऐसा मामला है? नहीं, राष्ट्रपति नहीं कर सकते, राष्ट्रपति केवल शपथ दिलाने यानी सरकार बनाने में जो व्यक्ति होता है उनको ऐसे कर सकता है, सामान्यता नहीं करता, सामान्य कोई काम नहीं कर सकते।
न्यायपालिका, यहाँ पे यहाँ स्वाविवेक का इस्तेमाल नहीं हो सकता। पे स्वाविवेक है ना, और उसको स्वमोटो कहते हैं। ये स्वाविवेक है और स्वमोटो है, यानी उसको कहते हैं स्वतः संज्ञान जिसे कहते हैं। ये देखिए, यह शब्द का फर्क देखिए। ये स्वाविवेक है अपने विवेक से काम करना। जैसे मान लेते हैं आपको, मान लेते हैं कि हल्द्वानी से जाना है आपको, कहाँ जाना है, मान लेते हैं दिल्ली जाना है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, तो जो रास्ता आप चुनेंगे वही होगा, स्वविवेक हुआ। लेकिन स्वमोटो का मतलब होता है कि कोई मैटर आपके सामने सामने है, उसको आपको क्या करना है, अपने अंदर ला के उसका डिसीजन करना है। तो दो चीज अलग अलग चीज है। जैसे दिल्ली जाने के लिए आप क्या होता है, बरेली होके भी जा सकते हैं, रुद्रपुर भी होके भी जा सकते हैं, काशीपुर होके भी जा सकते हैं, और भी रास्ते हो सकते हैं। ये बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन कौन से रास्ते से आप जाएंगे ये आपका स्वविवेक पर निर्भर करता है। लेकिन स्वमोटो में ये रास्ते नहीं होता, उसमें एक केस होता है, उसी को सॉल्व करना होता है। ये दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को एक मत मानिएगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के पास क्या होता है, स्वविवेक भी होता है, दो व्यक्ति के पास होता है, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल के पास होता है। आपने कहा ना, हाँ हाँ बताइए। हाँ राष्ट्रपति ऐसा ऐसा भी कर सकता है, किसी भी पार्टी के बिना, मतलब किसी को भी वो बना सकता है प्रधानमंत्री। ऐसा तो हमें लोकसभा चुनाव नहीं होंगे, तो इस कंडीशन में देखिए बना सकते हैं, लेकिन देखिए समय से जानते यहाँ पे क्या है कि उनको कुछ टाइम के अंदर उनको लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा। तब बहुमत कहाँ से लाएंगे, इसलिए ऐसे लोग नहीं बनते हैं। जिनको लगता है कि बहुमत हम जुटा पाएंगे इधर उधर जोड़ घटा करके, वो लोग ऐसे करते हैं। आप मान ले मुझे अगर प्रधानमंत्री बना देंगे तो मैं कहाँ से बहुमत जुटा पाऊंगा, तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैं बलि का बकरा बन जाऊंगा। तो ऐसे काम नहीं किया जाता है। ठीक है, जिनके पास लगता है कि हमारे पास जैसे 90% हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है और 10% हमें चाहिए, तब ऐसे कंडीशन में क्या होता है बनते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि 10% हम क्या होता है अपने पावर से उसको इकट्ठा कर सकते हैं। ये एक ट्रेंड होता है सामान्यता। जैसे देखिए आप कोई बिजनेस शुरू करता है, आपके पास 90,000 रुपए है, तो 1 लाख का बिजनेस आप शुरू करते हैं कि अगर मान लेते 10,000 रुपए से उधार ले लेंगे। अब कैसे लेंगे वो आपकी मर्जी है, तो वो विधायकों को या सांसदों को कैसे वो जोड़ेंगे वो आप समझ सकते हैं। खरीद बिक्री होता है, पैसा होता है कि पार्टियों के पास बहुत बड़े बहुत ज्यादा पैसा होता है, तो उनसे खरीद लेते हैं, करोड़ों में बिक जाता है। आप लोग देखेंगे उत्तराखंड में 2012 में बिक गया था। ठीक है, जी। तो ये सारे होते रहते हैं। देखिए लोग हैं तो इन सब चीजों में कुछ नहीं कर सकते। देखिए संविधान बोला ना, संविधान में हर एक एक शब्द को लिखा नहीं गया है, और इसी का फायदा क्या होता है, वकील लोग और जो ये लोग होते निकलते। इसलिए हमारे संविधान को क्या है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। उसमें बहुत सारे ऐसे लॉ फॉल है या बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, जिसका क्या था शब्द का भी हेरा फेरी करके वो हो जाते हैं। तो अंग्रेजी में लिखा गया हिंदी में उसका बहुत सारे मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, तो उन मीनिंग के आधार पर भी क्या होता है बहुत सारे चीज क्या होता है उल्टा सीधा हो जाता है, तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और किसी कोई सवाल? न्यायिक कार्य में ना मृत्यु दंड को किस किस बेसिस में माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति? देखिए मृत्यु दंड अगर ऐसा हो कि जिससे क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही जघन्य अपराध नहीं किया है, समझ लीजिए। देखिए जघन्य अपराध में क्या होता है मृत्यु दंड को माफ करना, माफ नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो निर्भया कांड में, उसमें भी मृत्यु दंड को माफ करने के लिए राष्ट्रपति के पास याचिका गया था, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया था। तो जघन्य अपराध में नहीं करते, सामान्यता करते। लेकिन देखिए पहले राष्ट्रपति के पास ये नहीं थे कि आप किसी को मृत्यु दंड को माफ कर रहे, तो इसमें रिव्यू नहीं होता था। अभी 2007 से क्या होगा, ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर राष्ट्रपति किसी को मृत्यु दंड को माफ कर देता है तो उसका रिव्यू होगा कि किस बेस पर किया गया है। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली नहीं करते हैं। बहुत ही अगर कोई ऐसे जैसे मान लेते हैं कोई फीमेल है और वो गर्भवती है और उनका मृत्यु दंड होने वाला है, समझ लिए बातों को, तो उससे क्या होगा, देखिए उनके पेट में जो बच्चा उसने तो अपराध नहीं किया ना, अपराध उस महिला ने किया होगा, तो महिला को क्या होगा, हो सकता है कि उसमें उनको माफ कर दे। तो ये बहुत सारे क्या होता है होता है। या ऐसे व्यक्ति हो सकता है कि उन्होंने बहुत साल से जेल में बंद है, कोई अपराध किया हो और इतना ज्यादा मतलब कमजोर हो गया हो कि बाद में वो ऐसे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उनको माफ कर देते हैं।
ऐसे बहुत सारे केसेस होता है जिसमें माफ कर जाता है, लेकिन जो बहुत जघन्य वाला अपराध होता है अभी उनको नहीं माफ करते। किसी का मृत्युदंड ऐसे माफ किया हिस्ट्री में? हाँ, बहुत से लोगों को किया गया है, आप लोगों ने देखा होगा। सर ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया था ना? हाँ, जो राजीव गांधी को जिन लोगों ने मारा था उनको मृत्युदंड से माफ कर दिया था, वो बोला प्रतिभा सिंह के समय में किया गया था। उसमें क्या था, जो कांग्रेस पार्टी ने उसने मैंने जो इसको मर्सी पिटीशन कहा था, मर्सी पिटीशन दिया गया था, तो उसमें जो कांग्रेस पार्टी जो गांधी परिवार है उन्होंने बोला कि अब मर गया तो उनको मारना सही नहीं है, तो उन्होंने कहा एक पॉलिटिकल गेम भी था उसमें किया गया। तो हो सकता है कोई भी किसी को भी कर सकता है, लेकिन उसका रीजन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि करना है, रीजन देना पड़ेगा। रीजन देना पड़ेगा तभी मृत्युदंड को क्या माफ किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आज हम यहाँ तक करते हैं, कल आपको क्या उपराष्ट्रपति बताएंगे, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टाइम भी हो गया है, कल आपको 22 क्वेश्चन बताएंगे फिर संसद देगा। इसे कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? चलिए नहीं, नो ठीक सर, है, तो कल मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू। ओके सर। ओके सर।